नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं राइजड्रॉइड वर्सेस सुपीरियर ओएस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 7 एंड यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस एंड यहाँ पर हमने जो है राइजड्रॉइड एंड यहाँ पर सुपीरियर ओएस का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है एंड दोनों जो रॉम दोस्तों एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है हम यहाँ पर राइजड्रॉइड कस्टम रॉम के साथ जो है सुपीरियर ओएस के एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। तो वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। प्लस दोनों रॉम का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है प्लस दोनों रॉम का जो रिव्यू वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। अब सिंपली पोको F1 एंड रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर राइजड्रॉइड एंड यहाँ पर सुपीरियर ओएस दोनों का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके पोको F1 एंड रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले देख सकते हो दोनों जो बिल्ड है तो ऑफिशियल बिल्ड है, एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है एंड दोनों रॉम के साथ जो है आपको लेटेस्ट 5 फरवरी का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। देख सकते हो यहाँ पर हमने राइजड्रॉइड ओएस का जो 10.2 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है एंड यहाँ पर सुपीरियर ओएस का जो लेटेस्ट बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों रॉम के ऊपर जो डिफरेंट सेटिंग्स मेनू देने को मिलता है, देख सकते हो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर UI देने को मिलता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्च बार के बारे में। तो यहाँ पर जो है सर्च बार का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है दोनों रॉम के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर सर्च बार आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर 4G आइकॉन का ऑप्शन है। डेयर डिजिबल आइकॉन को दोनों रॉम के साथ ऐड किया गया है। कॉम्बाइंड सिग्नल आइकॉन का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल रेडमी नोट 7 के साथ जो है अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर ब्लूटूथ बैटरी सर्च का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है अभी फिलहाल सुपीरियर ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर माइक कैमरा लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है यहाँ पर जो है ऐड नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर जो है डायनेमिक सिस्टम बार का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जो कि राइजड्रॉइड ओएस के साथ जो है नया फीचर्स अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर जो बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है। बाकी पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है। इस तरह से ये जो फीचर्स है क्विक पुल डाउन का जो फीचर है पर जो है फिलहाल सुपीरियर ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो कुछ इस तरह से पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर बात करें पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में, तो यहाँ पर जो दोनों रॉम के साथ कुछ इस तरह से पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो UI है देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइजड्रॉइड ओएस के साथ अगर आप चाहो तो डिफरेंट क्विक सेटिंग्स पैनल को यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर जो आपको अलग अलग जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल है देने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो UI है देने को मिलता है। अगर बात करें पर जो वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो यहाँ पर जो सुपीरियर ओएस के साथ जो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का UI देने को मिलता है देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर बात करें राइजड्रॉइड ओएस के साथ जो कुछ इस तरह से पर जो है वॉल्यूम पैनल का जो UI है देने को मिलता है काफी डिफरेंट है देख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो राइजड्रॉइड कस्टम रॉम के साथ जो डिफरेंट वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है उसे भी ऐड किया गया है। बाकी अगर बात करें लॉन्चर के बारे में, तो लॉन्चर को भी ट्राई करके देखते हैं कुछ इस तरह से लॉन्चर के साथ जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन होम स्क्रीन ऐप ड्रॉयर रिसेंट पैनल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है कुछ इस तरह से पर जो है लॉन्चर के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन से आइकॉन की अगर बात करें पड़े कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड दोनों रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट यहाँ पर GApps अवेलेबल है, आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सिंपली देख लेते हैं यहाँ पर ऐप लॉक का जो फीचर है दोनों रॉम के साथ अवेलेबल है देख सकते हो। यहाँ पर जो ऐप लॉक का जो फीचर है दोनों रॉम के साथ ऐड किया गया है, बट यहाँ पर सुपीरियर ओएस के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पर हाइड ऐप का जो फीचर से ऐड किया गया है। पर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट प्लस ऐप लॉक का जो फीचर से दोनों रॉम के साथ जो है अवेलेबल है, इसमें आप चेकआउट करके देख सकते हो जिस तरह से ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो थीम है यहाँ पर देख सकते हो इस रॉम के साथ जो है दोनों रॉम के साथ एक्चुअली थीम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर यूजर इंटरफेस का ऑप्शन है यानी पर थीम का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर जो है सुपीरियर ओएस के साथ जो आइकॉन पैक सिग्नल आइकॉन स्टाइल वाईफाई आइकॉन स्टाइल एंड नेविगेशन बार स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पर
ऑलरेडन डिस्प्ले कस्टमेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है, पर थीम इंजन का ऑप्शन है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन है, सेटिंग स्टाइल का ऑप्शन है, सिस्टम स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस थीमिंग सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर सिस्टम स्टाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले एंड्रॉयड पी एनिमेशन स्टाइल को ऐड किया गया है जो कि फिलहाल सुप्रीम ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर सिस्टम आइकन पैक, नेविगेशन बार, इवन पावर मेनू का जो स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पर इस रॉम के साथ सुप्रीम ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने रियलमी यूआई किया है, बाय डिफॉल्ट जो है कुछ इस तरह से आपको राइज्ड कस्टम रॉम के साथ कुछ इस तरह से आपको वॉल्यूम पैनल का जो है यूआई देने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइज्ड कस्टम रॉम के साथ आपको ज्यादा फीचर्स देने को मिल रहा है अभी फिलहाल, एंड पर लॉक स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है उसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सेटिंग स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है ऑक्सीनोइस का जो सेटिंग्स पैनल आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर जो है मेट्रियल यू का जो सेटिंग्स पैनल आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली पर जो स्टॉक पिक्सल है सिलेक्ट करते उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो देख सकते हो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू का यूआई देने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स स्टाइल देने को मिलेगा, डिफरेंट सेटिंग्स मेनू है कुछ इस तरह से डिफरेंट यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते तो यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है दोनों रॉम के साथ ही। यहाँ पर जो है दोनों रॉम के साथ आपको बाय डिफॉल्ट जो है लाइनेज का जो कैमरा एप्लीकेशन है देने को मिलेगा। प्लस लाइनेज कैमरा एप्लीकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप चेकआउट करके देख सकते हो। कुछ इस तरह से दोनों रॉम के साथ आपको सिमिलर जो है बाई डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर दोनों रॉम के साथ जो है जी कैम भी काम कर जाएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने रिसेंटली गूगल कैमरा 8.7 का जो रिव्यू वीडियो है अपलोड किया है, सिंपली जी कैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर जो लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सुप्रीम ओएस के साथ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इसी ऑप्शन से एनगेजेस का ऑप्शन है, पर ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है दोनों रॉम के साथ ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर ये जो फीचर्स है अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन एलईडी का जो ब्राइटनेस है आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो प्रीसेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। प्लस यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, थर्मल प्रोफाइल के साथ जो है ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोकेशन एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन है दोनों रॉम के साथ काम कर जाएगा। क्विकली ओपन कैमरा सिस्टम, नेविगेशन 100 मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप का जो फीचर से ऐड किया गया है। इस फीचर के साथ आप जो है डबल टैप करके जो है नोटिफिकेशन पैनल को चेक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, एंड दोनों रॉम के साथ जो है ओटी अपडेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में, तो सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड यहाँ पर जो है लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पर अलाउ फेस अनलॉक लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है राइज्ड कस्टम रॉम के साथ जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो कुछ इस तरह से पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पोको फोन डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसलिए अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे आपको जो है बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से दोनों रॉम के साथ जो है अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का ऑप्शन है, पर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से सुप्रीम ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वेकअप ऑन प्लग का ऑप्शन है। यहाँ पर राइज्ड कस्टम रॉम के साथ जो है डेस्कटॉप मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये जो फीचर्स है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सुप्रीम ओएस के साथ। तो कुछ इस तरह से डेस्कटॉप मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसके साथ आप जो टीवी और पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम जो है अलग से वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवे पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर ले तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो यहाँ पर बेसिक कलर, वॉलपेपर कलर का ऑप्शन है, डार्क थीम का ऑप्शन है, थीम आइकन का ऑप्शन है, ऐप ग्रिड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है
एनहांस नोटिफिकेशन ब्लिंक लाइट का जो ऑप्शन है राइज डॉट कस्टमर के साथ अवेलेबल नहीं है। नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी के साथ जो थर्मल पोहल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है लो बैटरी लाइट का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, पर एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर दोनों नाम के साथ जो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है क्लियर डिस्प्ले का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड इनहेंसर है ऐड किया गया है। पर पार्ट ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है जो कि सुप्रीम ओएस के साथ अवेलेबल नहीं है। बाकी इस तरह से सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एनीवे अब दोनों नाम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।